अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इससे पहले भी हमने देखा है कि हुकूमत अपने ही फैसले पर कायम नहीं रहती और इसे बार बार बदलती रहती है। इस कोरोना ने तो इंसान का जीना ही दुश्वार कर दिया है। जब से कोरोना आया है सभी का चैन सुकून इत्मीनान भाईचारा मोहब्बत अख़वत खत्म होती जा रही। अब एक बार फिर इसी कोरोना को लेकर आवाम परेशान है। आप ये ना समझे कि कोरोना मरीज कितने पॉजिटिव हुए हैं, इससे आवाम परेशान नहीं है। जो कानून गाइडलाइन हुकूमतों की जानिब से दी जाने वाली है, इस पर लोगों की नजरें रहती है। वैसे तो मास्क ना लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है, तभी आवाम मास्क पहन रही है, वरना तो अक्सर लोगों को कोरोना पर भरोसा ही नहीं रहा ऐसा लगता है। और कुछ हद तक डॉक्टर्स, इंतजामिया, यहाँ तक सेहत महकमा भी समझने की कोशिश कर रहे, लेकिन जब ऊपर से हुक्म आता है इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लिहाजा मजबूरन पुलिस को भी हरकत में आना पड़ता है। डीसी को भी शायद दबाव में ही बयान देना पड़ता होगा, ऐसा लोगों का कहना है। हुकूमत की जानिब से स्कूलों को बंद करने के फैसले के बाद आवाम में डर खौफ का माहौल रहा कि क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा, अगर लॉकडाउन लगाया गया तो क्या नतीज बरामद हो सकते हैं, इसका भी अंदाजा हुकूमतों की जानिब से लगाया जा रहा है। लिहाजा लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर बेलगाम डीसी ने स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया है। मतलब ऊपर से ही यह हुक्म दिया गया होगा जिस पर महज बेलगाम डीसी की जानिब से अमल किया जा रहा है। वैसे मंदिरों को बंद रखने के फैसले के बाद कई बेलगाम जिले के मंदिर कमेटियों ने हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की, इस पर भी गौर किया जा रहा है। अब हुकूमतें दो राहों पर खड़ी है, पहले से परेशान आवाम कहीं बगावत पर ना उतर आए, और आगे लॉकडाउन का फैसला लिया ना गया तो पॉजिटिव मरीजों का क्या होगा। अब इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना, ये तो WHO से लेकर तमाम हुकूमतें ही बता सकती हैं, लेकिन तीसरी लहर का लाना या आना दोनों भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब तीसरी लहर पूरे मुल्क की मईशत के साथ तमाम निज़ाम को ही तरम भरम कर सकती है, और इसका एहसास मौजूदा हुकूमतों को है, तभी तो हर फैसला बिल्कुल सोच समझ कर लिया जा रहा है। यकीनन लोगों के दिलों में डर का माहौल है, और कोरोना मरीजों के आंकड़ों के साथ आने वाले खतरनाक हालात का भी जायजा हर शहरी ले रहा है। इसे किसी हाल में लॉकडाउन नहीं चाहिए, मतलब आवाम को लॉकडाउन नहीं चाहिए, भले ही बीमारी कितनी ही बढ़ जाए, ऐसा अब आवाम खुलकर बोल रही। पिछले दो लॉकडाउन का तजर्बा भी अमीर गरीब सभी को हुआ है, और इन्हीं मुद्दों पर भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। मोदी हुकूमत को घेरने के लिए भी अब लॉकडाउन में जिस तरह हुकूमतों का रवैया आम लोगों के साथ रहा, इसका भी तस्करा विपक्ष की जानिब से किया जा रहा है। भले ही मोदी हुकूमत अपनी कामयाबी समझ रही हो, लेकिन मोदी, योगी और अमित शाह के लिए कोरोना आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि सभी तबकात कोरोना के दौर में हुकूमतों के इंतजाम से नाराज है। दुनिया भर में भारत की बदनामी इसी दौरे कोरोना में हुई। बहती लाशें, बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते मरीज, अस्पतालों में बेड के बिना, अस्पतालों की इहाते में पड़ी लाशें, बेसहारा भटकते मजदूर, तमाम तस्वीरें आलमी सतह पर छाई रही। फिर मोदी हुकूमत का 20 लाख करोड़ का पैकेज भी चर्चा का मौजू रहा, राशन की तकसीम की भी खूब इश्तेहारबाजी की गई। इन तमाम के बावजूद भी मोदी हुकूमत की गिरती साख को बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। अब तो हिंदू मुस्लिम नफरती एजेंडा से भी लोग उग चुके हैं। कुल मिलाकर फिर से स्कूलों को शुरू करने का रियासत का फैसला एक तरह से लॉकडाउन पर पीछे लिए कदम के तौर पर ही देखा जा रहा है। अगर कर्नाटक में लॉकडाउन महज एक हफ्ता भी लगा दिया जाए तो इसके असरात काफी संजीदा हो सकते हैं, इसका अंदाजा भाजपा हुकूमत को है। आज रियासत में 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। अलग अलग बयान देने में भी भाजपा माहिर है। एक तरफ आज ही के दिन सेक्रेटरी अरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि हर रोज 10,000 से 12,000 पॉजिटिव मरीज पाए गए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, वही वीकेंड लॉकडाउन हटाने को लेकर फैसला लिया जाने वाला है। कल 14,000 से भी ज्यादा थे, यानी मरीजों का आंकड़ा तो हर रोज बढ़ रहा है। फिर स्कूलों को शुरू करने का और वीकेंड लॉकडाउन हटाने का फैसला हुकूमत की जानिब से क्यों लिया जा रहा है, मतलब सीधा है, लोगों की नाराजगी चुनाव के नजदीक कोई भी हुकूमत लेना नहीं चाहती। और हो सकता है कि कर्नाटक का ही वीकेंड लॉकडाउन हटा लिया जाए, ना सिर्फ वीकेंड बल्कि किसी तरह का भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। बेलगाम जिले की बात करें तो किसान वैसे भी बारिश और बाढ़ से अपनी फसल गंवा चुके हैं, कारोबारी आज भी पिछले लॉकडाउन से कराह रहा है, नौकरियों से कई नौजवान हाथ धो बैठे हैं, बेरोजगारी अब तक के तारीखी मियार पार कर चुकी है, धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम का खेल भी अब असरअंदाज होता नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अवाम में एक तरह का गुस्सा, आक्रोश देखा जा रहा है, और इसी के मद्देनजर स्कूलों को शुरू करने का फैसला या फिर वीकेंड लॉकडाउन को रद्द करने के फैसला लेने पर हुकूमतें मजबूर हो रही हैं। कोशिश यकीनन की गई, अंदाजा भी लगाया गया, लॉकडाउन को आवाम में ना पसंद करते हुए भी घरों में बैठना मंजूर किया, लेकिन आग तो अंदर लगी हुई है,
जिसकी तपिश को ना सिर्फ मोदी सरकार ने बल्कि बम्बई हुकूमत ने भी महसूस किया है। लिहाजा तमाम कहानियों को गढ़ने के बावजूद भी हुकूमतें मजबूर दिखाई दे रही है। कारोबार तिजारत मईशत के हालात बेहद नाजुक है। कई निजी कंपनियों में तो मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए तक रुपये नहीं है। आवाम को सियासी लीडरों की चालाकी और फरेब भी समझ में आ रहा है। सियासी रैलियों में कोरोना नहीं आता, बड़े बड़े इजलासों में कोरोना नहीं आता। गरीबों की बस्तियों में दुकानों को बंद करने के लिए पुलिस आती है। सड़क पर सब्जी फ्रूट बेचने वालों को लाठी से हांका जाता है ताकि कोरोना ना फैले। क्या ये इंसाफ है? ऐसा सवाल भी अब आम लोगों के जहनों में गश्त करने लगा है। पहले कोरोना को लेकर कई लोग काफी संजीदा हुआ करते थे, अब कोरोना है भी या नहीं, अगर है भी तो क्या इतना खतरनाक है या इसे खतरनाक बनाया गया, ऐसी भी चर्चा अब हर जगह देखी जा रही है। कहीं सरकार बेवकूफ तो नहीं बना रही है? ऐसा सड़क पर सब्जी बेचने वाली खातून को कहते देखा गया। बेलगाम सब्जी मंडी में सड़क पर सब्जी बेचने वाली खातून को लॉकडाउन पर सवाल किया गया तो कहने लगी कि पिछले कई सालों से सड़क पर बैठकर सब्जी बेचती हूँ, ना तो मैंने अब तक मास्क पहना है और ना ही किसी तरह की वैक्सीन ली है, अब तक किसी तरह की बीमारी नहीं हुई है, ऐसा उसे कहते देखा गया। खैर कोरोना की तबाही को सभी ने देखा है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बात को साजिश कहते हैं। लेकिन तीसरी लहर पर भी अब राय बढ़ती नजर आ रही है। वैक्सीन पर भी अलग अलग राय देखी जा रही है। किसी ने दो की जगह चार वैक्सीन लगा लिया है तो किसी ने एक भी नहीं लगाई है पर सर्टिफिकेट मोबाइल पर आ चुका है। कुल मिलाकर कोरोना को मीडिया के जरिए, हुकूमतों के जरिए बढ़ाया घटाए जाने का इल्जाम लगाया तो जा रहा है। विदेशों में तो हजारों लोग वैक्सीन की सख्ती पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अब आवाम किसी तरह लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है। अब पॉजिटिव मरीज तो बढ़ रहे हैं पर किसी तरह का सख्त फैसला लेना हुकूमतों के गिरने की वजह बन सकता है, इसका डर भी है। बतौर विपक्ष तो लॉकडाउन को ही चुनावी मौजू बनाने की फिराक में कांग्रेस और दिगर विपक्ष दल हैं। आज फिर एक बार कांग्रेस के कई लीडरों ने वीकेंड लॉकडाउन को गैर जरूरी कहा तो साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने भाजपा लॉकडाउन के जरिए गरीबों को परेशान करने की कसम खाने की बात कही और अब आवाम भी यही चाहती है। लिहाजा ये लॉकडाउन किसी की हुकूमत गिरा सकता है या फिर किसी को इख्तदार पर पहुंचा भी सकता है, ऐसा आवाम में कहते देखा जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से मेके दाटू पादयात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए। कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी कहते हुए कुल 30 लोगों पर कार्रवाई की गई। लिहाजा इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए सामाजिक खिदमतगार भीमा पगड़त ने पिछले साल भाजपा की जानिब से अवामी इजलास मुनक्कद किया गया था जिसमें अमित शाह, भाजपा के रियासती वजीर आला, नायब वजीर आला और दिगर मरकजी वजीर शरीक रहे। इन पर भी इन्हीं की तरह मुकदमे दर्ज किए जाने की मांग की क्योंकि पिछली मर्तबा तो कोरोना का कहर भी ज्यादा था, लिहाजा कार्रवाई इंसाफ की बुनियाद पर हो। वजीर दाखिला अमित शाह के साथ दिगर बड़े भाजपा लीडरों पर फौरी कार्रवाई हो, ऐसा भीमप्पा गड़द ने मांग की है। कोरोना सिर्फ बीमारी ही नहीं, इसका नाम ही परेशानी का सबब है। अब आरटीपीसीआर के लिए लोगों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। हुकूमत ने कहीं पर भी जाने के लिए 72 घंटों का आरटीपीसीआर की सख्ती की है। बिम्स में एक ही जगह पर इसकी सहूलतें मुहैया कराई जा रही है जबकि बेलगाम में और भी जगह पर इसका होना जरूरी है जिससे आवाम को जल्द आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। कुछ तलबा जो दिगर रियासतों से हैं, बेलगाम में पढ़ते हैं, इनके लिए भी कभी पड़ोसी रियासत में जाना हो तो काफी दिक्कत हो रही है, ऐसा इनका कहना है। दिगर जगहों पर और भी काउंटर निकाले जाए तो बेहतर होगा, ऐसी मांग आवाम की जानिब से की जा रही है। कोरोना के तीसरी लहर के बात की जा रही है, हर रोज मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कितला के मुताबिक 60,000 बेलगाम में 60,000 से भी ज्यादा केस लोड तो हैं पर आईसीयू में महज 117 ही जेरे इलाज होने की बात सामने आई, मतलब पॉजिटिव तो है पर ठीक हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे। इत्तेहाद न्यूज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।